Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Main aap sare bachon ka aur badon ka istiqbal karta hu, aapko welcome karta hu hamare program. आज हम इंशाल्लाह लालच के ताल्लुक से जो बातें हमने पिछले प्रोग्राम में अखलाक सीरीज में देखा था उन्हीं बातों को कंटिन्यू करेंगे। हमारा मकसद यह है कि ये बातें सिर्फ थियोरी नहीं रहे बल्कि हमारे अंदर आ जाए। हाँ, पता है आपको बच्चों, कई चीजों में बच्चे भी लालची होते हैं। आप लोगों ने देखा है बच्चों को लालची होते हुए? हाँ, ग्रीडी होते हुए देखा है बच्चों को? चलो मिसाल बताओ, बताओ। कभी चॉकलेट्स से तो कोई चॉकलेट्स में ग्रीडी होते हैं, चॉकलेट्स में कभी कभी ग्रीडी होते हैं। जैसे एक देते एक फिनिश होते तो दूसरा मांगने लग जाते, दूसरी फिनिश होती तो तीसरी मांगने लग जाते, तीसरी फिनिश होती है तो चौथी, और उससे क्या होता है फिर दांत खराब हो जाते हैं, फिर स्टमक में प्रॉब्लम हो जाते हैं, वर्म्स वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चॉकलेट कोई अच्छी चीज नहीं है एक्चुअली, बल्कि हम लोगों को भी कुछ लोग बोल रहे हैं आप चॉकलेट देना बंद करो, ऐसा बोल रहे हैं। देखते हैं अभी इंशाल्लाह जी। तो एक ये बात हुई, ओके और बताओ। बच्चे लोग गाड़ी चलाते रहते हैं। हाँ। वो अपने गाड़ी को देखता है, सामने वाले को गाड़ी देखता है, बोलता है वो मेरी फेवरेट है, फिर वो लेता है, फिर एक और एक एक और एक एक फिर एक और एक एक और गाड़ी चाहिए, और गाड़ी चाहिए, मुझे वैसी गाड़ी चाहिए, वैसी गाड़ी चाहिए, यूजलेस ही हो जाएगा, फिर सब यूजलेस हो जाता है। करेक्ट। हालांकि क्या करना चाहिए, आपके पास अगर मान लो ये गाड़ी है, छोटी है, वैसी बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है ये, लेकिन आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह बनके खुश रहो ना। हाँ, जो अल्लाह ने दिया उसमें खुश रहो, खुश रहो। हाँ, आपके पास जो भी है, मान लो पेंसिल का बॉक्स है, आपके पास दो पेंसिल्स हैं, अब बोलो मुझे तीन चाहिए, चार चाहिए, इतनी सारी पेंसिल्स चाहिए, फिर दूसरे बच्चों को दिखाएंगे मेरे पास तो इतनी पेंसिल्स हैं, मेरे पास तो दो दो इरेजर है, तीन तीन इरेजर है, दिखाना चाहिए ऐसे। हाँ, और अगर आपके पास है रख दीजिए, जब खराब हो जाएगी उसको यूज करिए, और या तो किसी के पास नहीं हो तो उसको दो, उसकी हेल्प करो। हाँ, और कैसा आपने देखा बच्चों में ग्रीडीनेस? हाँ, खाना खा रहे हैं, प्लेट में आपने थोड़ा खाना है, लीजिए खाइए, फिनिश करिए और लीजिए अगर भूख लगी है तो। कोई लोग प्लेट में थोड़ा खाना बच जाता है, अंदर भी और रहता है, तो उसके प्लेट से अपने प्लेट पर करते जाते हैं और खाते हैं। यस, लेते आते हैं, खुद लेते आते हैं, फिर बहुत सारा लेकर खाना वेस्ट कर देते हैं। हाँ, और फिर जब देखा बच जाता है तो बच जाता है खाना। यस, खाना वेस्ट हो जाता है फिर, तो ये ग्रीडीनेस है ना एक टाइप की। फिर कपड़े आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर हैप्पी, लेकिन अब बोले वैसे चाहिए, वो कपड़े चाहिए, वो कपड़े चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। बाल होता है तो बाल होता है तो उसमें लोग ग्रीडीनेस करते हैं, मुझे ये भी चाहिए, टॉयज में ग्रीडीनेस करते हैं। तो ग्रीडीनेस की जगह हम लोग ये देखेंगे वेल्दीनेस, वेल्दीनेस। हाँ, वेल्दीनेस कौन सी मालूम है? मालदारी। मालदारी कहाँ है? दिल में है। मालदारी कहाँ है? दिल में। और गरीबी भी कहाँ है? दिल में। अगर आप समझते हो कि वो मेरे पास वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो गरीब हो आप। हाँ, अगर आप ये देखोगे अल्लाह ने मुझे ये दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर गरीब भी है तो जो कपड़ा वपड़ा है तो उसको भी बोलने का अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत में ना वो गरीबी दिल का हाल है। गरीबी क्या है हकीकत में? रियल गरीबी। ये रियल गरीबी कौन सी होती है? जहाँ पे आदमी बोले मुझे ये भी नहीं है, आई एम सो सैड, मेरे पास वैसी गाड़ी नहीं है, मेरे पास वैसी डंपर ट्रक नहीं है, मेरे पास वैसी बस नहीं है। हाँ, क्या है वो नहीं देख रहे, जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो दिया हैंड्स तो दिया है ना अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किसी के पास हैंड्स नहीं है, देखा आपने? हाँ, फाइव फिंगर्स दिया, इधर पे हाँ, हैंड नहीं रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको दिया अल्लाह ताला ने ना, काउंट करो क्या है। किसी किसी लोग किसी को सुनाई नहीं देता है। यस, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड भी होते हैं। सही है, आप लोग काउंट करेंगे, आप सब अनग्रेटफुल ग्रीडी चिल्ड्रन की तरह बनेंगे? नहीं। कैसे बनना है? ग्रेटफुल बनना है, जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, गिनो अल्लाह ताला ने क्या दिया।
अगर गिनते जाएगा तो गिनते जाएगा लेकिन काउंटलेस रहेगा। काउंटलेस है, इतना अल्लाह ने दिया है, एहसास है। बिल्कुल सही, काउंटलेस है। माउथ है, टीथ है, लैंप है, ईयर है, नाक है, आईब्रोज है, दाढ़ी है, यस इतना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला ने कितना दिया है, तो आप अगर गिनोगे और अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला और देंगे। मालूम है आपको, अल्लाह को ऐसे बंदे बहुत पसंद है जो ग्रीडी नहीं होते। ग्रीडी बनेंगे नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। से आई वोंट बी ग्रीडी, बी ग्रीडी इंशाल्लाह, वी विल बी ग्रेटफुल। ओके इंशाल्लाह। वैसे ही तो वो थे ना, अच्छी चीज है बल्कि। आप में से कौन बता सकता है इस्लाम में क्या हेल्पिंग, हेल्पिंग में? हाँ बोलो बोलो। हेल्पिंग यानी मेरे पास कुछ है तो मैं उसको दूँ, शेयरिंग में, हेल्पिंग में। किसी के पास नहीं है, देना चाहिए चैरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ग्रीडीनेस कैसे हुई बताऊं मैं आपको? नेकी में ग्रीडीनेस, मुझे और नेकी चाहिए, मुझे और नेकी चाहिए, कि मुझे थोड़ा और नमाज पढ़ के थोड़ी और नेकी चाहिए। हाँ, मुझे थोड़ी और किसी की मदद करना है, सवाब मिलेगा। इसमें सवाब, मुझे और सवाब चाहिए, सवाब में ग्रीडी। जैसे आपने अबू बकर रदियल्लाहु की क्या मिसाल बताई, कि उन्होंने आगे रहते थे, सबसे आगे, जैसे उमर साल हाफ लेते, पूरा लेके आए, राइट। हाँ, सामने वाले के पास ना टॉयज नहीं है, एकदम सैड है, खेल उसको बोर हो रहा है, तो हम लोग के पास बहुत ज्यादा गाड़ी है, उसको भी थोड़े दे दे, हम लोग भी थोड़े। चैरिटी में मदद करने में, हेल्प करने में, शेयरिंग में। सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग नेकी में ग्रीडी बने। जैसे मिसाल के तौर पे, अब आप लोगों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक प्रोग्राम अटेंड किया, अब आपके अंदर ग्रीड होनी चाहिए, मुझे और इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करने में ग्रीडी, मालूम है, इल्म हासिल करने में भी ग्रीडी हो सकता है आदमी। थोड़ा सा और सीखने मिल जाए मुझे, उस्ताद के पास बैठूं, मैं स्कॉलर के पास बैठूं, आलिम के पास बैठूं, कोई चीज सीखूं, मुझे थोड़ा सा और सीखने मिल जाए। ग्रीडी बनना इल्म में, नॉलेज में। आपको क्या बताया, अच्छी चीज है वो। हाँ, तो हर टाइप की ग्रीडीनेस गलत नहीं है, जो अच्छी चीज की ग्रीडीनेस अच्छी है, लेकिन दुनिया की चीजों की ग्रीडीनेस जो है ना, ये गलत है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा अल्हाकुमुत्तकासुर। अल्हा का मतलब क्या है मालूम, अल्हाकुमुत्तकासुर, तुम्हें धोखे में डालती है तकासुर। तकासुर का मतलब जमा करना, मुझे इतना 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 जमा करते हैं ना, पाइलिंग अप, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इसके वजह से क्या होता है, धोखा होता है। धोखा मालूम है क्या है, धोखा। हाँ, धोखा क्या है मालूम है, चीटिंग। हाँ, इस तरह की चीटिंग हो जाती है। कैसे चीटिंग होती है मालूम है, अब आदमी पैसा जमा किया, धोखा मतलब क्या है, हम लोग के पास पैसा रहेगा और उसका पास हाउस रहेगा, वो बोलेगा हाउस मुझे दे दो, ये पैसा ले लो, तो फिर वो हाउस ले लिया लेकिन पैसा। हाँ, लेकिन वो टाइप के इंसान धोखा देते हैं। लेकिन यहाँ पता है आपको, आदमी पैसे के पीछे भागा भागा, सुनो, पैसा जमा किया, सब कुछ जमा किया, गेम में डाइस वाला, लेकिन बाद में मर गया और सब कुछ छोड़ के गया, तो ये तो मिस्टेक हो गई ना उससे, कि नहीं, जिस चीज के पीछे भाग रहा था नेकी साथ में ले आते हैं। हाँ? हाँ? ले आते हैं, लेकिन पैसा साथ में ले आते हैं, पैसा क्या करते हैं, छोड़ के। तो ये धोखा हो गया ना, कि वो समझा कि ये सब कुछ है, हालांकि छोड़ के जाना है। तो आपको धोखे में नहीं पड़ना है, आपको नेकियों में आगे बढ़ना है। कुरान में आता है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियों में आगे बढ़ो। ये मत सोचो मैं लास्ट, नेकी करने में मैं लास्ट, लास्ट बनेंगे कि फर्स्ट बनेंगे, फर्स्ट, नेकी में फर्स्ट बनेंगे, लास्ट बनेंगे, फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब सबसे आगे, इल्म हासिल करने में, नॉलेज हासिल करने में, इस्लाम की चीज सीखने में, दीन की चीज सीखने में सबसे आगे, इबादत में सबसे आगे, ईमान में सबसे आगे, हेल्प करने में सबसे आगे, शेयर करने में सबसे आगे, शेयरिंग करने में सबसे आगे, अच्छा काम करने में सबसे आगे, कुरान पढ़ने में सबसे आगे, लास्ट पर्सन बनेंगे, लास्ट। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से दुआ करते हैं और सिखाया हमें
इज़ा साल तुमुल्ला जब अल्लाह से मांगो फस अलिल फिरदौस, तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। मालूम है जन्नतुल फिरदौस, जन्नत के अंदर सब सेम लेवल नहीं है, जन्नत में सेम लेवल नहीं है। मालूम छोटा भी बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, अच्छा वाला। देखो बच्चों, अगर आप ग्रीडी बनोगे ना, तो जो भी चीज के लिए आप ग्रीडी बनोगे सब दुनिया में छोड़ के जाओगे। हाँ, और जो जो अल्लाह के पास जमा हुआ, जो नेकी जमा हुई, वो आपको वहां जन्नत पहुंचने में मदद करेगी। और वहां मालूम है आपको हमारी बहुत लंबी जिंदगी है, वहां पे बहुत लंबी जिंदगी, वहां की जिंदगी असल जिंदगी है। चलो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, जो स्टोरी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाया। सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है, एक बार एक आदमी था। हाँ, वो आदमी के पास एक जमीन थी, जमीन आपने लैंड दिखा है। हाँ, उसके पास एक लैंड था, मैं लैंड की मार्किंग बना रहा हूं। हाँ, ये सपोज उसका लैंड था, उसने ये लैंड किसी को बेचा। हाँ, उसने ये लैंड बेचा। सपोज ये है मिस्टर ए, पकड़ो ए को, ये लैंड किसका है, ए का है। हाँ, उसने बेचा ये बी को, पकड़ो बी को, ए ने लैंड बेचा बी को और पैसे लिया उसके। तो अभी ए ने बेचा है बी को, तो बी ने क्या दिया ए को, ये लो ए पैसे लो। हाँ, ये हो गए आपके पैसे, आपको पैसे मिल गए, आपकी लैंड थी, आपको पैसे मिल गए। अब ये लैंड किसका हो गया, बी का लैंड है। हाँ, सुने आप, फिर क्या हुआ मालूम है, बी आया लैंड में, पकड़ो, जब बी लैंड में आया, आकर के खेती के लिए, जो चीज के लिए, घर बनाने के लिए, जिस चीज के लिए उसने लिया, एक दिन बी को लैंड में गोल्ड का एक पूरा ट्रेजर मिल गया, गोल्ड का ट्रेजर लैंड के अंदर से निकाला उसने, इतना सारा गोल्ड। फिर क्या हुआ मालूम है, बी गया ए के पास, आ जाओ, ए से कहा, ए तुमने मुझे लैंड बेचे, तुमने मुझे पॉट नहीं बेचे थे, मैंने तुम्हें पैसे दिया था, ये पैसे किस चीज के पैसे हैं, लैंड के पैसे हैं, ये पॉट के पैसे हैं, गोल्ड के ट्रेजर के पैसे हैं। हाँ, तो उसने कहा ये ट्रेजर तुम्हारा है। हाँ, सही किया गलत किया, सही किया गलत किया, सही। क्यों, क्योंकि उसने जो लिया था वो खाली वो लैंड, क्या ये ग्रीडी था, ग्रीडी था ये, नहीं ग्रीडी था, तो ग्रीडी होता तो क्या करता, ले लेता, और एक को बताता भी नहीं। फिर सुनो, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सुनो। हाँ, ए ने कहा कि बी मैं ये लैंड के पैसे ले चुका हूं, इस लैंड में जो भी है तुम्हारा है। हाँ, ये ग्रीडी था, नहीं अच्छा किया ना उसने, कहा मैं तो लैंड के पैसे ले चुका हूं, जो लैंड के अंदर जो भी निकला सब तुम्हारा, पत्थर निकलेगा तुम्हारा, खेती निकलेगी तुम्हारी, ये सोना निकला ये भी तुम्हारा। ऑनेस्ट था ना वो, दोनों अच्छे थे। हाँ। अब क्या हुआ फिर पता है आपको, पकड़ो, तो बी ने कहा नहीं, ए तुम्हारा है, ए ने कहा नहीं, बी तुम्हारा है, बी ने कहा नहीं तुम्हारा है। फाइनली जाकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, बोले तुम्हारा है। अभी कैसा करते, अभी क्या हुआ मालूम है, तो वो लोग गए एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन के पास, बोले आप आओ हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसा हमारा प्रॉब्लम हुआ। हाँ, और हमारे बीच में झगड़ा हो गया है, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा है, मैं कह रहा हूं कि इनका है। इनसे पूछा, ए से पूछा, ए तुम लोग दोनों के पास कोई बेटा या बेटी है। हाँ, तो एक के पास बेटा था, ये लो बेटा, और एक के पास बेटी थी। हाँ, तो इन्होंने कहा कि दोनों की शादी कर दो। हाँ, दोनों की शादी कर दो, और ये ट्रेजर इनको दो, और जो बचे वो गरीबों को मिसपेंड कर दो। हाँ, तो इन्होंने इस तरह से करके प्रॉब्लम सॉल्व किया। ये स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा, ग्रीडी नहीं थे। हाँ,
ग्रीडी नहीं। आप लोग कैसे बनना चाहते हैं? आजकल कैसे लोग होते हैं मालूम है? मेरा है मेरा है, इसलिए फाइट करते हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए फाइट करते हैं। और मालूम है कोई इनकी जमीन खाना चाहता है, ये किसी की जमीन खाना चाहते हैं, आज ऐसा सब करते हैं लोग, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग इससे सीख रहे हैं कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक गेम खेलेंगे। गेम इस तरह से है कि आप बच्चों को इस जार ऑफ चॉकलेट्स में से चॉकलेट निकालनी है अपने एक ही हाथ से। और एक रूल है कि अगर आपने जो भी पकड़े वो आपको छोड़ना नहीं, पकड़ने के बाद जो पकड़ लिए पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं। छोड़ना है तो सब छोड़ो, हाँ पकड़ना है तो जितना पकड़ना है पकड़ लो, ठीक है ना। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं ओनली विथ वन हैंड। हाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर तक चॉकलेट्स इसमें भरी हुई है। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्मॉल चिल्ड्रन से, सोच समझ के करिए। जिसके पास सबसे ज्यादा चॉकलेट्स निकलेगी, नहीं फिर से नहीं ले सकते आप सेकंड टाइम। हाँ ओके शुरू करिए। अटक गया हैंड आपका अंदर, हाँ अभी क्या करेंगे? छोड़ दो जो भी है, तो निकल जाएगा आपका हैंड बाहर। पकड़ने के चक्कर में ऐसा ना, ओ मिल गई। अब है किसकी टर्न? मूसा की टर्न। यस मूसा, सोच समझ के। हाँ मूसा नहीं ऐसे नहीं, इधर। इतनी सारी ओके फिर आपका हैंड तो अटक गया है मूसा, अभी क्या करेंगे? यस मूसा, ज्यादा के चक्कर में आपका हैंड अभी अंदर ही रहेगा। क्या करना है, छोड़ देते हैं सब चॉकलेट्स तो आपको अपना हैंड वापस शायद मिल सकता है। ओके काउंट डाउन, फाइव से काउंट करिए। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो। तुम्हारा हैंड तो तुम्हें वापस मिलेगा लेकिन चॉकलेट तो भी नहीं मिल सकती, टाइम अप हो चुका है। चलो चलो चलो, इससे अच्छा आप एक दो ले लिए होते ऊपर ऊपर से तो आपको एक दो चॉकलेट तो मिल जाती। चलो अभी युसरा की टर्न। युसरा तुम देख चुके हो क्या हुआ अभी, हाँ सोच समझ के करो। देखो ऐसी चीज तो एक ऊपर दिख रही है, एक ले लो, एक ही बार जा सकते तुम्हारा है। ओके क्या चीज सोच लो। यस टू फिंगर्स से, फिर से नहीं जा सकती, हाँ एक ही बार जाएगी। ओके युसरा ने बस बस गई गई, छूट गई छूट गई। बिलाल सोच समझ के, नहीं तो खाली हाथ भी वापस आना पड़ सकता है। छूट गए छूट गए छूट गए, आप फिर से नहीं ले सकते, सेकंड टाइम नहीं ले सकते। तो ये राउंड की विनर है हुदा, और हुदा को मिलती है उसकी तीन चॉकलेट्स, और आपको ट्राई करने के लिए मिलेगी। आप सबने ट्राई बहुत हार्ड किया, एक आपके लिए और एक आपके लिए। हमको भी दो, ये लेंगे हमको एक और एक एक दो। और यस जिससे आपको भी एक और मिलेगी फॉर पार्टिसिपेशन, और हुदा को एक और मिलेगी फॉर पार्टिसिपेशन। हाँ बाकी आपकी विनिंग की है। ओके अब हम ये देखते हैं, मेरा भी हाथ ना अटक जाए अंदर, ठीक है। लालच बुरी चीज है, हाँ कैसे बचेंगे लालच से वो बताओ अभी। चलो समझा के समझा के, हाँ कुरान की आयत सुनकर, हदीस सुनकर, समझा कर। यस और नो? क्या बताया? दो भूखे भेड़िए अगर छोड़ दिए जाए मिंडियों में उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना एक शख्स में अगर लालच हो पैसे की और इज्जत की, तो वो उसके दीन को नुकसान पहुंचाएगा। ओके और कैसे बच सकते हैं लालच से? लालच से कैसे बच सकते हैं? जैसे उसके बुराइयों को समझकर। लालच से कितना बुरा एक इंसान बनता है। हाँ और स्माइल करके लड्डू है तो वन प्लेट में तो वन पूरा है, थोड़ा सा एक बचा वाले सब लोग खा ले तो पूरा तीन तीन पकड़ के अपने हाथ में एक खाते रहेंगे तो वो ग्रीडी। यस तो ग्रीडी कैसे नहीं बनना, सुनो बच्चों, अपनी दुनिया की जिंदगी की हकीकत को पहचानोगे तो ग्रीडी नहीं बनोगे। If you know the purpose of your life, अगर तुम्हें दुनिया की जिंदगी का मकसद मालूम है, मकसद, what is the purpose of our life? हम लोग क्यों जी रहे हैं?
मकसद अल्लाह की इबादत करने के लिए जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? अल्लाह की। और हमारी दुनिया की जिंदगी टेम्पररी है, सब कुछ छोड़ के हमें दुनिया से जाना है। अगर ये पहचान लेंगे तो इंशाल्लाह ग्रीडी नहीं रहेंगे। और कौन सी चीज में ग्रीडी रहेंगे इंशाल्लाह? नेकियों में, हेल्पिंग में, नेकियों में, अच्छे काम में, इल्म हासिल करने में। यस, इल्म हासिल करने में क्या करेंगे? ग्रीडी रहेंगे इंशाल्लाह। नेक कामों में सबसे आगे रहेंगे। आगे ऐसा नहीं कि मैं लास्ट हूँ, हाँ लास्ट ऐसे नहीं। सबको टॉयज देने का, हेल्पिंग करना, हेल्पिंग करना इंशाल्लाह, पैसे देने का, खाना देने, पैसा का देना। हाँ, ग्रीडी लोग है ना, चैरिटी नहीं करते। ग्रीडी लोग चैरिटी नहीं करते। कुरान पढ़ने में हम सब अपने दिल को बड़ा करें। दिल को बड़ा, दिल जब बड़ा होता है ना तो बुरा नहीं लगता है। दिल जब बड़ा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। किसी की हेल्प भी आप कर सकते हो, चैरिटी भी दे सकते हो, ज़कात भी दे सकते हो, नेक काम भी कर सकते हो, लेकिन दिल को बड़ा रखना चाहिए। जब दिल बड़ा हो ना तो ग्रीडी नहीं होता है। ग्रीडी लोगों का दिल बहुत छोटा सा होता है, उनको सिर्फ खुद के बारे में पता होता है। लेकिन अपने दिल को बड़ा रखें, नेक कामों में आगे बढ़िए, नेकी जमा करने के अंदर सोचें मैं ये भी नेकी करूँ, वो भी नेकी करूँ, नेकियों में आगे से आगे बढ़े। लेकिन दुनिया की चीज़ों के अंदर जो है उसमें खुश रहिए। हलाल चीज़ों में सही तरीके से हासिल करने की आदमी कोशिश कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ जंगल में, लेकिन लालच मत करो। जब कोई शख्स लालच करता है तो उसका दीन खतरे में होता है, उसका पूरा के पूरा इस्लाम खतरे में होता है। वो शख्स कितनी भी बुराइयों में जा सकता है, कितना भी बुरा इंसान बन सकता है, उसकी लालच उसे बुरा इंसान बना सकती है। तो अपने दिलों को बड़ा करने के इरादे के साथ हम आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।